हरे कृष्णा जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी और चाय पीते रहो। तो मैं चाय पीते पीते मेरे मन में आईडी कार्ड, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्या शेयर करेंगे? बहुत बकवास से करेंगे, मेरी बहन यही बोलेगी, बट करेंगे जरूर। ऐसे मन में आईडी कार्ड तो डेकार को अंदर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ना एक्सीडेंट बन जाती है। तो मैं क्या ससुराल का बता रही हूँ, जो मिलते ना मैके में भी माँ अपनी माँ तो होती है और ससुराल में भी सासू माँ होती है। ये कुछ सासू माओं के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं, जो अच्छी हैं भाई वो अच्छी हैं, बेहतर हैं, बेस्ट हैं, हमारी वाली भी बहुत बेस्ट हैं, बट ये कुछ सासुओं के लिए हैं जो अगर ऐसी हैं तो, नहीं है तो उनके लिए नहीं है, अपने ऊपर मत लेना, पहले बता रही हूँ भाई। ये तो हमारे कुछ रिश्तेदार आएंगे बोलेंगे भैया ये बहुत बोलती है। तो कुछ ऐसे अल्फाज मेरे मन में आए डकार की, मैके और ससुराल में इतना सा ही तो फर्क होता है, मैके और ससुराल में बस इतना सा ही तो फर्क होता है, मैके में अपनी माँ और ससुराल में सासू माँ होती है, बस इतना सा ही तो फर्क होता है। लेकिन दोनों में माँ जरूर लगती है, दोनों में माँ जरूर लगती है, मैके और ससुराल में बस थोड़ा सा ही तो फर्क होता है। घूम के आओ तो माँ शकल देखती है, हजार बातें पकड़ाती है, चेहरा कितना लाल हो गया है, धूप में जाने को मना किया था, पैर धोकर कुछ खा भी ले मुझे मत परेशान करना। और ये कहते हुए रसोई में जाके थाली में खाना निकाल के लाती है, और ससुराल में कहीं से आओ तो सासू माँ गिनतियों के काम बताती है, पहले बर्तन धो लेना और थोड़ी से ही खाने बनाना है, वो थोड़ा सा खाना बना लेना, अच्छा चलो आराम भी कर लेना, लेकिन ये सारे काम तुम्ही को करना है, अब तक मैंने ये सारे काम किए हैं, तुम ऐसे ही चली जाती हो, काम मुझे करना पड़ता है। इतनी बातें पकड़ा देती हैं कि पानी भी मुख को नहीं जाता है। मैके और ससुराल में बस इतना सा ही फर्क होता है, अपनी माँ माँ होती है, सासू माँ भी माँ होती हैं, बस इतना सा ही तो फर्क होता है, मैके और ससुराल में बस इतना ही फर्क होता है। मैके से कहीं जाओ तो माँ चोरी से 10 रुपया थमा देती है, जो चुरा के माँ पैसा रखती ना उसमें से 10 रुपया थमा देती है। पापा ने दिया है मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ इमरजेंसी पड़ी तो, कुछ लेने का मन किया तो ये रखे रहे बटुए में, लाकर मुझे वापस कर देना, और लेने का मन करे तो तू ले लेना। और ससुराल में अगर जाओ और साजन दे दे चंद पैसा तो सासू माँ का मुंह बन जाता है। सारा तो मैके में ढोके लेके जाती है, आई है तब से मेरे घर पे कब्जा की है, और भाई इसी का तो मेरे घर पे चलता है, मेरे बेटे को बर्बाद कर दी है। मैके और ससुराल में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। मैके में हो तबीयत खराब तो माँ हजार बार देखेंगी। सर को टोकर बुखार कितना चढ़ा है ये हजार बार देखेंगी। कुछ खा भी ले ये चीख चिल्ला के माँ हजार बार कहेगी, और थाली में परोस के अपने हाथों से खिलाएगी। अभी तक उतरा नहीं बुखार मेरे लाड़ो बड़ी परेशान है। हजार बार पापा को चिल्ला के ये बोलेंगी, और क्या खाने का मन है ये हजार दफा पूछेंगी। सारे काम को छोड़कर बस सिरहाने बैठी रहेंगी। और ससुराल में हो अगर तबीयत खराब तो रोज का ही इसका ड्रामा है। रोज ही बुखार चढ़ता है, रोज ही सर दुखता है, और बोलना तो छोड़ो कोई झांकने तक नहीं जाता है। और क्या कहते हैं, ये आराम करने के लिए हमने छोड़ा है, खाना तो छोड़ो पूछना, कोई हाल तक नहीं पूछता है। काम तो दोनों जगह ही माए करती हैं, सासू माँ भी करती है, लेकिन माँ काम करते वक्त भी बेटी का हाल पूछती है, और सासू माँ बस ताना सुनाने के लिए उस कमरे में आती है। तो
तो मायके और ससुराल में बस इतना सा ही तो फर्क होता है, बस इतना सा ही तो फर्क होता है, फर्क होता ही है, फर्क होता तो है, बस इतना और फर्क होता है। जन्म लेती है बेटी मायके में और अर्थी ससुराल से निकलती है, जन्म लेती है बेटी मायके में और अर्थी ससुराल से निकलती है, माँ पेट पकड़ के रह जाती है, सासू माँ बेटे का दूजा ब्याह ढूंढने लगती है, मायके में और ससुराल में बस इतना सा ही तो फर्क होता है। तो भाई ये सभी के लिए नहीं, पहले मैंने बोल दिया और ये बात वाजिब है, ये फर्क होता है, बहुत कम जगहों पर ये फर्क नहीं होता, नहीं तो होता है। अगर तबीयत खराब हो जाए बहू की तो कोई हाल तक नहीं पूछता जल्दी कि हाँ हाल पूछ ले, कैसी हो, से छोड़ देंगे कि कमरे में पड़ी हो, चाहे मैं कहूँ मैं दोनों की बात बोलूँ, ये तो एक कहीं कहीं तो मायके में भी ऐसा होता है कि अगर तबीयत खराब हो तो उस जगह पे जाएंगे नहीं, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, पूछेंगे नहीं कि तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं। और जिनके यहाँ ऐसा होता है ना, जो जो लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं ना कि हाल तक नहीं पूछते, तबीयत खराब होने पर ढंग का बात नहीं करते ना, सच कहूँ बेटियाँ बड़ी बदकिस्मत होती हैं, क्योंकि मायके से भी नहीं मिलता प्यार और ससुराल से भी नहीं। किसी किसी की किस्मत ऐसी भी होती है। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा जरूर। मैं ऐसे सारे शब्दों को बोलने के पहले इमोशनल हो जाती हूँ तो सॉरी, बट बताइएगा जरूर। और ये होता है, ये हकीकत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हकीकत है, ये ओवर एक्टिंग करके बहुत फिल्मी स्टाइल में, नहीं, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। तो जब किसी की तबीयत खराब हो, चाहे मायका हो चाहे ससुराल, ढंग की बात कर लिया करो भाई, उस समय उसकी तबीयत खराब रहती है, इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, आप उसे नहीं समझ पा रहे, आप नहीं वक्त दे पा रहे, तो एक बार झांक लीजिए, पूछ लीजिए, अच्छा लगेगा सामने वाले को भी और आपके लिए दिल में जगह बढ़ जाएगी भाई। तो बाय बाय, हरे कृष्णा राधे राधे, ओकाना जी का नाम जपते हुए चलिए और ऐसी मेरी बकवास सुनते हुए चलिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी बकवास सुननी है तो बताइएगा जरूर, मतलब मन की डकार। बाय बाय, हरे कृष्णा।